नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं अभी मौजूद हूँ विधानसभा में। नेता गोपाल राय का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है और दिल्ली के जंतर मंतर से एक आंदोलन, एक सभा की तैयारी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, आप हमारे स्क्रीन पर बने रहें। देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चुनाव आयोग आज स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। कई सारे ऐसे अवसर आए जब माननीय देश के प्रधानमंत्री की रैलियों के अनुरूप चुनाव आयोग अपने चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है। परिणाम एक साथ आते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, लेकिन चुनाव की तिथि हिमाचल की पहले घोषित होती है और गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी की रैलियों को देखते हुए चुनाव की तिथि बाद में घोषित होती है। सीबीआई और ईडी की जो स्थिति बनी है, आज पिंजरे में कैद पंछी की तरह इशारे पर एजेंसियों को नचाया जा रहा है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जाता है और छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल के सीटों में बंद करने का सिलसिला और षड्यंत्र लगातार जारी है। देश के अंदर न्यायपालिका तक को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, हर तरह से हाथ पैर मारा जा रहा है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष अडानी मामले को लेकर के लगातार बजट सत्र से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहा है, सत्ता के कान पर जू नहीं देखता। जो राज्यों में अलग अलग चुनी हुई सरकारें हैं, वो सरकारें अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य कर सकें, उनकी भी इजाजत नहीं है। कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रस्तुत होने वाले बजट के पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से रोकने की कोशिश हुई, शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार है उसका इंतजार। जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में बनी है, उन परिस्थितियों को देखते हुए कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। उस सभा में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उस सभा को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी उस सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि पूरे देश को एक बात समझ में आ रही है कि इस देश के अंदर लोगों ने जिन वादों के अनुसार आपको चुना, लोगों का शायद ये भ्रम था कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी खत्म होगी। नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देश के अंदर महंगाई खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, बढ़ गई महंगाई। देश के अंदर किसान अभी रामलीला मैदान में दोबारा आया, इतने बड़े आंदोलन के बाद आपने जो वादा किया वो धोखा मिला उसको। एमएसपी को लेकर के कल भी वो लड़ रहा था, आज भी वो लड़ने को मजबूर है। इस देश के अंदर मजदूरों के जो भी अधिकार थे
उन सारे कानूनों को समेट करके आपने चार कानून में उनको बांध दिया। हर तरफ सरकार फेल है, और जब सरकार फेल है तो उसका समाधान निकालने की जगह लोगों को लगता था कि शायद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश की शिक्षा व्यवस्था के हालात बदलेंगे, और वो संभव है। दिल्ली के अंदर अगर बदल सकते हैं तो देश में बदल सकते थे, स्वास्थ्य के हालत अगर दिल्ली में बदल सकते हैं तो देश के अंदर बदल सकते थे, दिल्ली के अंदर अगर मिनिमम वेज बढ़ सकते हैं तो देश के अंदर भी बढ़ सकते थे, और इन सारा करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है, और दिल्ली ये सारा सुधार देने के बाद भी बजट आगे जा रहा है, तो पूरे देश के अंदर निराशा है। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 FIR आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी FIR करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है आप करवा लीजिए, लेकिन आप देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करें। कुछ घटनाएं होती हैं, लोगों को लगता है सारे एक्सीडेंट हो गए, चलो भूल चूक में हो गई, आगे ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश हो रही है, लोगों के मन में एक दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो बोलेगा वो जेल जाएगा, ऐसे में अब देश के सामने एक ही समाधान है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की संस्थाओं को बचाना है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और जो मिशन 2024 तक जाएगी। जी हाँ, तो आपने पूरा कॉन्फ्रेंस देखा। गोपाल राय एक मुहिम के तहत, एक सभा के तहत दिल्ली स्थित जंतर मंतर से एक बार शंखनाद, जैसा कि इसी जंतर मंतर से उन्होंने पार्टी की स्थापना करी, अलख जगाया और दिल्ली में शासन शुरू किया, और एक बार फिर केंद्र की सत्ता को लेकर, मोदी शासन को लेकर जंतर मंतर पर देखना यह है कि इनका यह मुहिम कितना दूर तलक जाता है, इनकी आवाज़ कितनी दूर जाती है, और इस मुहिम का नतीजा 2024 तक क्या कुछ निकल के आता है। तब तक आप अगले खबर की ओर अग्रसित रहें, बने रहें। जय हिंद।